हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए शाम का टाइम है और हम सब जा रहे हैं ये देखने के लिए कि कहाँ बाढ़ आ गई है, क्योंकि फ्रेंड्स सुनने में आई है कि हमारे गांव के आसपास जो और गांव है वहाँ तक ना बाढ़ का पानी पहुँच चुका है और फसलों वसलों तक घर भी बहुत मतलब बहुत पानी भर चुका है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर तो कम पानी था तो हम फिर दूसरी जगह पर आए थे। ये हमारे गाँव के पास ही है कामरे गाँव, और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स क्या हाल हो रहा है। जब ये तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, मतलब अभी 2-3 दिन पहले ये जैसे हम आ जाए हैं, इनसे 2-3 दिन पहले ना यहाँ पे और भी ज़्यादा पानी था। और यहाँ पे ना देखो क्या हाल हो रहा है, दूर दूर तक लोगों की फसलें मतलब सब बर्बाद हो चुकी है, ज्वार वार बस बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। और मुझे तो सोच सोच के इतनी टेंशन होती है ना कि बस पूछो मत। और यहाँ पानी में भी डर लग रहा था, मैं तो कह रही थी इनसे कि मैंने कि ज़्यादा आगे तक मत जाओ, कहीं और लेने के देने पड़ जाए, अच्छी सब कहेंगे कि अच्छी बाढ़ देखने आए हम तो। और ये देखना फ्रेंड्स कितना बुरा हाल हो रहा है। और इसके पास में ही हमारा गांव है, और जो इन बाढ़ के मतलब कि यहाँ पे तो खेत वेत ज़्यादा घर नहीं है, खेतों तक ही पानी आया है। और इससे पीछे की तरफ ना घर रह गए हैं, वहाँ तक पानी अभी पहुँचा नहीं है, लेकिन अगर पहुँच गया ना बहुत फ्रेंड्स बहुत नुकसान होएगा, बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं। और यहाँ पे जो ढोर वोर रखने के लिए जो है ना उनकी फसलें तो बहुत ही बर्बाद हो चुकी है, अब देखो कैसे कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स बस मैं तो यही कहूँगी कि कितना बुरा हाल हो रहा है, कभी ज़िंदगी में ये सीन देखा नहीं था जो अब देख लिया है। और देखो परमात्मा आगे आगे और क्या क्या दिखाते हैं, क्योंकि होता तो उनकी मर्जी से ही है, प्रकृति अपना कहर मचा के ही रखती है। और दिल्ली में तो बताइए फ्रेंड्स बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा है, वहाँ तो मैं फ़ोन में वीडियो देखती रहती हूँ, उससे पता चलता रहता है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। और हमारे गांव में तो फ्रेंड्स बस यही हाल हो चुका है।